तो दोस्तों आप सभी जानते हो कि इस समय भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है चाइना, और यदि चाइना के साथ भारत को अच्छे संबंध बनाने हैं तो भारत को भी चीन के बराबर ताकत हासिल करनी पड़ेगी, और इस ताकत हासिल करने में सबसे बड़ी कड़ी है हाइपरसोनिक मिसाइल, क्योंकि चीन के पास हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसके दम पर वह भारत समेत पूरी दुनिया को आंखें दिखाता है, और यदि भारत को भी चीन के बराबर ही ताकत हासिल करनी है तो हाइपरसोनिक मिसाइल भारत के लिए एक अहम कड़ी होगी। परंतु आज भारत के वैज्ञानिकों ने ही भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर कुछ ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर सभी हैरान हैं। दरअसल ब्रह्मोस एरोस्पेस के अधिकारियों ने कहा कि यदि भारत सरकार हमें परमिशन दे तो हम मात्र 8 सालों के अंदर ही ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल को बनाकर तैयार कर लेंगे, जो कि दुनिया की सबसे ताकतवर हाइपरसोनिक मिसाइल होगी। अब आप सभी कहोगे कि एक मिनट यहां पर रुको, क्या सरकार ने परमिशन नहीं दी है ब्रह्मोस 2 मिसाइल को लेकर? तो इसके बारे में कहूंगा कि हाँ, सरकार ने ब्रह्मोस 2 को लेकर भारत के ब्रह्मोस एरोस्पेस के अधिकारियों को परमिशन ही नहीं दी है, और स्क्रीन के ऊपर आप सभी इसका स्क्रीनशॉट भी देख सकते हो जिसमें ब्रह्मोस एरोस्पेस के अधिकारियों ने खुद कहा है कि ब्रह्मोस 2 को लेकर हमें भारत सरकार से परमिशन लेने की आवश्यकता है। अब आप सभी कहोगे कि चीन हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है और हमें हाइपरसोनिक मिसाइल की आवश्यकता है, तो फिर भारत सरकार ब्रह्मोस एरोस्पेस को ब्रह्मोस 2 बनाने को लेकर मंजूरी अभी तक क्यों नहीं दे पाई है? तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण हो सकता है वो है भारत की खुद की हाइपरसोनिक मिसाइल। दरअसल आप सभी को पता है कि अभी 2023 के स्टार्टिंग में ही भारत ने HSTDV का एक सफलतापूर्वक परीक्षण किया था, और इसके पश्चात भारत प्रोजेक्ट विष्णु के तहत 2-2 हाइपरसोनिक मिसाइलें बनाएगा, जिनमें से एक की रेंज करीब 2000 से 2500 किलोमीटर की होगी और एक एयर लॉन्च हाइपरसोनिक मिसाइल होगी जिसकी रेंज करीब 700 किलोमीटर होने वाली है, और यह जो हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं वो करीब 6 से 8 मैक की रफ्तार पर उड़ेंगी, और यह भारत की पूर्णतः मेड इन इंडिया हाइपरसोनिक मिसाइलें होने वाली है, और इसलिए भारत सरकार जब 2 साल में भारतीय सेनाओं को खुद की हाइपरसोनिक मिसाइल दे सकती है तो ब्रह्मोस 2 को बनाने के लिए 8 साल का इंतजार भारत नहीं करना चाहता, इसलिए भारत प्रोजेक्ट विष्णु को सबसे पहले पूरा कर रहा है, ब्रह्मोस बाद में आ सकती है। अब आप सभी किस टॉपिक के अंदर क्या राय है और आप सभी को कौन सी हाइपरसोनिक मिसाइल ज्यादा पसंद है, प्रोजेक्ट विष्णु के तहत बनने वाली या फिर ब्रह्मोस 2, कमेंट बॉक्स में। प्रिया अवस्थी जी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।